हरिचंद। हरिचंद, क्या घटना हुई और कहाँ का मामला क्या हुआ है? ऐसा हुआ साहब, ट्रॉली आ रही थी जी, उधर से ट्रैक्टर आ रहा, मतलब ट्रक आ रहा था तो दे गया है वो। अच्छा, कितने लोग बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए? कम से कम 20-22 लोग हैं। कितने लोग घायल हुए इसके अंदर? कम से कम 15 की मान के चलो। सब घायल है? हाँ। थाना कौन सा है, कहाँ की घटना है? कौन से गाँव की घटना है? मोढ़ेरा। तुम भी इस ट्रॉली में सवार थे क्या? हमारा गांव तो खेरिया है, मसरा रिफाइनरी के पास। अच्छा, मोढ़ेरा में भात ला रहे थे। अच्छा, अब इनकी हालत कैसी है? ये ऐसी ही हालत है साहब। आपको कोई इसमें दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं 3-4 लोग। इसमें कोई आपका घायल भी आपको कोई? क्योंकि हाथों में चोट आ रही है ना जी। आप भी ट्रैक्टर में ट्रॉली में बैठे हुए थे? टूट गया पैर वगैरह। आप ट्रॉली में बैठे थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। मैं तो उस गांव से जो सुनी है जो भागा हूँ वहाँ से। क्या नाम है? हरिचंद। 12:18 में शाम के समय पे दक्षिण बाईपास नगला सिकरवार के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें खेरिया गांव रिफाइनरी थाना क्षेत्र मथुरा के कुछ लोग थे जो मलपुरा जा रहे थे भात देने के लिए, जिसमें ट्रैक्टर डिवाइडर पे टकरा गया और डिसबैलेंस होके उसमें पलट गया, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को SN मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है और उनका इलाज वहाँ पे हो रहा है।